लायक ना हो तो वो बेकार है। हम कोई भी चीज़ बता रहे हैं अपना बस गाते जा रहे हैं, और हम अपने ट्रेनिंग से टेस्ट ना दें। जैसे किसी चीज़ के बारे में मैंने बताया व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो अगर मैं बीच में उनसे पूछूँ ना कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन की वैल्यू बेकार है। तो प्रेजेंटेशन के दौरान टेस्ट अनिवार्य है। उसके बाद में एप्लीकेशन अप्लाई करना, जैसे कोई ट्रेनी नहीं बता पा रहा है कोई भी चीज़, तो उनको थोड़ा बहुत पनिश करना या तो स्टैंड अप रखना, उससे क्या होगा बच्चे के अंदर डर बना रहेगा कि सर हमें खड़े करेंगे, क्लास में हमारी बेइज्जती होगी, तो वो हमारी प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से सुनेगा और उसका पढ़ाई पे भी ध्यान रहेगा। फिर तीसरा आता है एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटीज़ से हमें समझाना। कुछ ट्रेनीज होते हैं जिसको थ्योरी समझ नहीं आता, किसको जिसको प्रैक्टिकली समझ में आता है। जैसे फिर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, हमने बता दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, अब उसको थ्योरेटिकल समझ नहीं आया। अगर मैं बोलूँ कि एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसको समझते हैं, कोई तीन स्टूडेंट या ट्रेनीज खड़े होकर आ जाइए, अपना कॉम्बिनेशन सीरीज में बनाइए या पैरेलल में बनाइए, उससे उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंटेशन में टेस्ट एप्लीकेशन एंड एक्टिविटीज़ का होना अनिवार्य है। थैंक यू।